उस राम को देख करके मार के सर्प और बिच्छू अपना विष छोड़ करके उनको प्यार करते हैं, वह राम तुम्हारे लिए अहितकर हो गए, इसका अभिप्राय तू सर्पिणी और बिच्छू से भी अधिक खराब है, नीच है, तो तू ये बता है कौन? राजा पूछते को तू हस सत्य को मोई, अंत में क्या कहा, जो हसी सो हसी मुहम्मद सिलाई, चाहे जो तू है जो भी तू है अपने मुंह में कानिक लगा करके आंख ही और तू उठ बैठा हो जाई मेरे आंख से दूर हो जाता। राजा फिर कहते हैं जो लो जी अब कहूं कर जोरी, जब तक मैं जीवा जीवित रहूं मैं तेरे से हाथ जोड़कर कहता हूं कि फिर मेरे सामने तो कभी आना नहीं। तो कह के यह कुटिलमती है, ये राम विमुखी है और गतलाज, गतलाज क्यों कहा जानते हो? इसलिए कहा कि महाराज दशरथ ऐसा पति कैकेयी का पांव पकड़ लिया, पांव पकड़ लिया, कहीं पद विनय तीन बैठारी जग दिन कर कुल होशी उठारी। महाराज दशरथ कैकेयी का पांव पकड़ लिए, कहा देवी हाथ जोड़ता प्रार्थना करता हूं मानु मात अब ही जो तो ही राम विरह जब इमारत वो ही, तू मेरा पत्ता चाहती है तो मैं काट कर तेरे को दे सकता हूं लेकिन राम के वियोग में मेरा पद न कर। मैं जानता हूं कि राम के बिना भरत राज नहीं चाहेगा, मैं जानता हूं कि भरत को राज की चाह नहीं है, लेकिन जिस भरत के लिए तू ये राज्य मांग रही है वह भरत भी तेरा त्याग कर देगा, संसार में तुम्हारा उपहास होगा। और यह बात याद रख कि सृष्टि के आदि अंत तक तुम्हारी ये क्रूरता और हमारी ये दीनता दुनिया गया करे। ये कहते हैं महाराज दशरथ, लेकिन पति की इन बातों को सुनकर जानते हो क्या उत्तर देती है? वाह जब अंत अस कर तब रहू मांग मांग तुम कहीं पर कहू, यदि तुम्हें ऐसे ही रोना था वरदान दे करके तब किस पर तुमने कहा कि वरदान मांग लो वरदान मांग लो। सत्य सराही कहे वर देना जानू नहीं है मांगी चबेना, बड़े तीन आज्ञा थे कि मैं रघुवंशी हूं, रघुवंशी अपना पर वचन नहीं छोड़ता, अब वचन देकर के रो क्यों रहे? कौन कहता कहते इससे महाराज दशरथ जो उसका पांव पकड़ करके उससे प्रार्थना कर रहा है इससे बढ़िया और स्त्री की निर्लज्जता क्या हो सकती है? महात्मा भरत कह रहे हैं कह के ही कुटिल मत राम विमुख गत लाज दासवन में, ऐसी कह के ही का मैं पुत्र हूं जो राम की विमुखी है निर्लज्ज है कुटिल मती है, और जिसकी मां ऐसी हो उसका पुत्र कैसा होगा? ये तुम ध्यान में रखते हुए बिना विचारे तुम चाहत सुख मोह बस वहीं से अधम के ना, मेरे ऐसे अधम व्यक्ति के राज्य में तुम सुख चाहते हो ये तुम्हारी भ्रांति के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए याद रखो मोही राज हठ गई हो जब ही रसा रसा तब जाई तब ही, जब तुम लोग हट करके भी ये राज्य दोगे उसमें ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। क्यों रसातल को चली जाएगी जानते हो? इसलिए कहूं साथ सब सुनी पतिया हूं चाहिए अधर्मा शील नरना हूं। याद रखो भरत जी कहते हैं मैं सत्य कहता हूं कि राजा को धर्मशील होना चाहिए, मैं धर्मशील नहीं होऊंगा, यदि मैं इस राजगद्दी पर बैठ गया तो मेरे से बड़ा अधर्मी दूसरा कोई नहीं होगा, इसलिए ऐसे अधर्म को करने के लिए मुझे मजबूर मत करो। इस अधर्म के करने में
तुम्हें कल बताऊंगा, आज तुम्हें पूरा हो। यह